हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हूँ एक बहुत ही प्यारे पार्क में। इस पार्क का नाम है राम सुंदर दास पार्क, और ये पार्क काफ़ी खूबसूरत है। ना ही ज़्यादा बड़ा है, ना ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं आज एक्सप्लोर करने वाली हूँ इस पार्क को। दोस्तों, इस पार्क में आने के लिए 3-4 गेट है। एक तो मैं इधर से एंट्री मारी हूँ, और ये एकदम फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये निशुल्क पार्क है। एक गेट इस तरफ है, एक गेट उधर है, और एक गेट इधर है। मतलब इस पार्क में चारों तरफ से गेट है, और यह सुबह से शाम तक खुला रहता है। आप आइए, मज़े कीजिए, घूमिए फिरिए, इंजॉय कीजिए और जाइए, क्योंकि इस पार्क का कोई चार्ज नहीं है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं तब से ढूंढ रही थी कि टिकट काउंटर कहाँ है, मुझे टिकट निकालना पड़ेगा। फिर ये बाबा ने बताया कि नहीं नहीं बेटा, आ जाओ अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से वहीं तक पार्क है, लेकिन इसके बारे में मुझे जितना कुछ पता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहो मेरे वीडियो में आखिरी तक। दोस्तों, यह पार्क देखने में बहुत ही खूबसूरत है, मतलब गजब का लग रहा है। चारों तरफ हरियाली है। यह पार्क मॉर्निंग में 6 बजे खुल जाता है और इवनिंग में 8 बजे बंद हो जाता है। दोस्तों, इस पार्क का नाम स्वर्गीय राम सुंदर दास जी के नाम पर रखा गया है। स्वर्गीय राम सुंदर दास जी एक भारतीय राजनेता है और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्म 9 जनवरी 1921 को हुई थी तथा मृत्यु 6 मार्च 2015 को हुआ था। स्वर्गीय राम सुंदर दास जी के पत्नी का नाम सविता देवी और उनके 2 बेटा और 1 बेटी हैं। यहाँ पर लिख दिया गया है कि राम सुंदर दास पार्क कब खुलता है और कब बंद होता है और इसका कब चार्ज लगता है। सुबह के 5 से 9 बजे तक, मतलब सुबह के टाइम में आप सैर कर सकते हो इस पार्क में, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। ये निशुल्क है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। फिर दोपहर में 3 बजे से संध्या 7 बजे तक ये पार्क खुला रहता है, नवम्बर से फरवरी में, मतलब ठंडे के समय पर। और फिर 4 बजे से रात के 8 बजे तक ये पार्क खुला रहता है, मार्च से अक्टूबर में, मतलब गर्मी के समय में।
और यह पार्क साप्ताहिक बंद रहता है सोमवार को। तो आपको इस पार्क में घूमने आना है तो सोमवार को मत आइएगा, क्योंकि ये सोमवार को बंद रहता है। दोस्तों, इस पार्क में मुझे बस एक चीज़ पसंद आया है कि यहाँ पे जितना कुछ है सब आप इंजॉय कर सकते हो एकदम फ्री में। बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि पार्क जाए कि नहीं जाए, पैसा लगेगा, चाहे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन यहाँ पैसा कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, झूला झूल सकते हो, वहाँ पे जिम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे तो कराटे सीख रहे थे उस तरफ। ये पार्क अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रहा है। दोस्तों, इस पार्क के बारे में जितना तारीफ करे कम है। ये पार्क बहुत ही हरा भरा दिख रहा है, मतलब एक्चुअल में पार्क ऐसा होता है। बाकी सारे पार्क में थोड़ी बहुत गंदगी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ना गंदगी है ना कुछ, पूरा हरा भरा पार्क है। और थोड़े थोड़े जगह पे ऐसा बनाया गया है बैठने के लिए, आदमी चाहे तो यहाँ पे बैठ के मतलब शांत माहौल इंजॉय कर सकता है। मैं बैठी थी 5-10 मिनट, अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। दोस्तों, ये पार्क कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिए, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।